हेलो गाइज, अगर आप भी एक यूट्यूबर है मेरी तरह तो आप सभी भी यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस डालते रहेंगे, पर बहुत सारे वीडियोस में आप लोग मिस्टेक कर देते रहेंगे। समथिंग आपने नंबर डाल दिया या अर्निंग्स रिलेटेड आपका चैनल है तो आप नंबर आपका चला गया है पर आपने हाइड करना भूल गए, या कुछ समथिंग कोई डॉक्यूमेंट जो नहीं दिखाना चाहिए था वो दिख चुका है, तो बहुत सारी मिस्टेक आप लोग कर देते हैं। फिर आप क्या करते हैं कि वीडियो अपलोड कर देते हैं। अपलोड करने के बाद क्या होता है कि आप लोग वीडियो देखते हैं, आपको पता चलता है अरे यार मेरा इसमें नंबर दिख रहा है, इसमें मेरा डॉक्यूमेंट दिख रहा है। आप बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाते हैं कि आपका पर्सनल चीज शेयर हो चुका है पब्लिकली तो आप सभी को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा, तो आप लोग क्या करते हैं फटाफट वो वीडियो को डिलीट कर देते हैं। पर दोस्तों आपको वीडियो को डिलीट करने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। आज मैं आपसे को बताने वाला यूट्यूब में ही है फंक्शन, आप में से बहुत सारे लोग जानते रहेंगे पर उसका यूज नहीं करते रहेंगे या बहुत लोग नहीं जानते रहेंगे, तो ये वीडियो को पूरा देखिएगा, आप लोग फुल डिटेल में पता चल जाएगा कि आप लोग कैसे उसे हाइड कर सकते हैं वीडियो अपलोड होने के बाद भी। आप सभी का एक भी व्यू कम नहीं होगा, आपकी वीडियो को डिलीट नहीं करना पड़ेगा, आप लोग यूट्यूब में से ही जाके एडिट कर देंगे और आप सभी का वो चीज गायब हो जाएगा। तो फुल डिटेल में आप सभी को बताने वाला हूं कि आप लोग ये कैसे कर सकते हैं, तो वीडियो में बने रहिएगा। अगर आप पहली बार आए चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए जिससे लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। ऐसे यूट्यूब से रिलेटेड वीडियो मैं लाता रहता हूँ तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए मैं आपसी को बता देता हूं कि कैसे आप लोग वीडियो अपलोड होने के बाद यूट्यूब पर एडिट कर सकते हैं। तो फुल डिटेल में बताने वाला हूं, ये प्रोसेस आप अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं डेस्कटॉप मोड पे जाके यो वाईपी स्टूडियो में। मैं ये प्रोसेस आप सभी को लैपटॉप पे करके दिखाने वाला हूं क्योंकि लैपटॉप पे अच्छा खासा एडिट हो जाता है, मुझे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, मोबाइल पे भी हो जाता है पर थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, तो इसलिए मैं आपसे को अपने लैपटॉप पे बता देता हूं। तो चलिए मेरे लैपटॉप पे, जैसा कि आप सभी आ चुके हैं मेरे लैपटॉप के स्क्रीन पे, तो चलिए मैं आपसी को बता दूं कि अगर आप लोग यूट्यूब पे वीडियो अपलोड कर देते हैं फिर उसके बाद आप लोग कैसे उसे एडिट कर सकते हैं या ब्लर कर सकते हैं या ट्रिम कर सकते हैं, सब कुछ मैं बताने वाला हूं अपने इसी वीडियो में, तो वीडियो में बने रहिएगा, तो वीडियो को पूरा देखते रहिए। तो चलिए मैं आपसी को बता देता हूं। तो सिंपल सा हम लोग चलते हैं क्रोम में। क्रोम में चलने के बाद सिंपल सा, जैसा कि आप सीख सकते हैं, मैंने अपना यूट्यूब चैनल पहले से खोल के रखा है। आप सभी को भी अपने वाइट स्टूडियो में पहुंच जाना है एडिट करने के लिए। सिंपल सा मैं कोई भी एक वीडियो ले लेता हूं, जैसे कि ये दूसरा वाला वीडियो ले लेता हूं। सिंपल सा इस पे डिटेल्स पे मैं क्लिक करता हूं। डिटेल्स पे क्लिक करने के बाद जैसा कि आप देख सकते हैं पूरा डिटेल ओपन हो चुका है। इधर डिटेल्स एनालिटिक एडिटर, जैसा कि आप सभी देख सकते हैं एडिटर, तो इस पे सिंपल सा हमें क्लिक करना है, यही हमारा मेन है। तो सिंपल सा हमें यहीं से एडिट करना है अपनी वीडियो को, क्योंकि हम लोग अपलोड कर चुके हैं वीडियो को इसलिए हमें एडिट करना पड़ेगा यहीं से और ट्रिम भी करना पड़ेगा यहीं से। तो पहले मैं फटाफट फंक्शन आपसी को बता देता हूँ इसके क्या क्या है फंक्शन। सिंपल से देख सकते हैं पहला ट्रिम का ऑप्शन दिख रहा है, फिर उसके बाद आपका ये वीडियो दिख रहा है, फिर ऑडियो दिख रहा है, फिर इधर देख सकते हैं ये प्लस का आइकन दिख रहा है, इस पर क्लिक करते ही तो इधर देख सकते हैं ऐड ब्लर, तो इधर फेस ब्लर है, कस्टम ब्लर है। बहुत ही अच्छा यूट्यूब ने इसे बनाया है कि पूरा फेस को एकदम फाइंड करके एकदम अच्छे से पूरे वीडियो में ब्लर कर देगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और ये कस्टम ब्लर जो कि हमें यूज करना है, जैसे कोई हमारा नंबर दिख रहा है, कोई डॉक्यूमेंट दिख रहा है जो नहीं दिखना चाहिए, तो ये कस्टम ब्लर के जरिए हम लोग उस चीज़ को ब्लर कर सकते हैं। तो सिंपल सा हम लोग उस पर क्लिक करके कर सकते हैं। फिर नीचे मैं आपको दिखा दूँ ऐड एलिमेंट, इसमें बहुत सारे एलिमेंट है, जैसे कि टेम्पलेट है, हो गया वीडियो, हो गया प्लेलिस्ट, हो गया सब्सक्राइबर, हो गया चैनल, हो गया लिंक, हो गया समथिंग, ये सब आप लोग ऐड कर सकते हैं इधर अपने YouTube वीडियो से रिलेटेड या किसी और का वीडियो से रिलेटेड समथिंग। तो आप सभी को मैं बताऊंगा, आप सभी को अभी समझ में नहीं आता रहेगा। तो पहले हम लोग देख लेते हैं ट्रिम का। तो सिंपल सा हम लोग ट्रिम पे क्लिक करेंगे तो जैसा कि आप सभी देख सकते हैं एक ऐसा चार्ट ओपन हो चुका है, ये एक लाइन आ चुकी है, ये देख सकते हैं ब्लू कलर की। तो सिंपल सा इसे हम लोग जितना खींचेंगे उतना एरिया को ये ब्लर कर देगा। तो सिंपल सा आप सभी इसे ब्लर कर सकते हैं बहुत ही इजीली। सिंपल सा आपको क्या करना है, जितना पार्ट को ब्लर करना है उतने तक आपको इसे लेके जाना है। जैसे सिंपल सा मैं यहाँ तक लेके गया हूँ, तो यहाँ से ये ऐप को अगर आप लोग यूज करते हैं तो, अगर आप लोग नहीं तो आपको जहाँ तक लेके जाना वहाँ तक पहले घींच लीजिएगा। फिर सिंपल सा आप सभी को एक इधर से भी दिख रहा होगा, तो सिंपल सा उसे हमें भी इधर से भी ला देना है।
सिंपल सा आप से देख सकते हैं। इधर से लाने के बाद जितने के बीच में हमें वो पार्ट को ब्लर करना है, सिंपल सा क्लिक कर देना है तो इतना पार्ट हमारा ब्लर हो जाएगा। तो आप से देख सकते हैं इतने के बीच में हमारा ये ब्लर हो जाए, इतने के बीच में हमारा ट्रिम हो जाएगा, सॉरी ब्लर बोलने के लिए। तो इतना पार्ट हमारा ट्रिम हो जाएगा, मतलब ये वीडियो से इतना पार्ट कट हो जाएगा। तो आप सभी को अगर जैसे लगे कि 4 सेकेंड का पार्ट कट करना है, कि यही हमारा इम्पोर्टेंट नंबर दिख रहा है इसे ही हमें एडिट करना है, तो आप लोग इजीली कर सकते हैं। तो चलिए, हमें तो ये नहीं करना है, तो हम इधर एक और फंक्शन है दोस्तों, उनोडो रेडो। तो दोस्तों हमें जैसे कि नहीं इसे करना है यूज, तो इसे हम लोग बैक करेंगे। तो जैसा कि ये बैक हो चुका है दोस्तों, बैक होने के बाद अब हम लोग जैसा था पहले वैसा ही हो चुका है। फिर उसके बाद हम लोग ब्लर पे चलते हैं, तो इसलिए मैं इसे थोड़ा सा ये वीडियो को मैं लाता हूँ यहाँ। जैसे कि ये YouTube वाले पार्ट को मुझे ब्लर करना है, तो सिंपल सा मैं इधर ऐड ब्लर पे क्लिक करूँगा और कस्टम ब्लर पे जाऊँगा। कस्टम ब्लर पे जाते ही देख सकते हैं इधर बहुत सारे ब्लर के ऑप्शन आ चुके हैं, फिक्स ब्लर पोजिशन, ट्रैक पोजिशन, ओवल, ओवल मतलब पूरा गोल सा सर्कल जैसा हो जाएगा इधर, जैसा कि आप देख सकते हैं, और इधर रेक्टेंगल। तो ये इधर हो, इस पर हम लोग क्लिक कर लेते जो पहले था। सिंपल सा क्लिक करने के बाद इसे हम लोग सीधे ऐसे बड़ा कर सकते हैं, सिंपल सा ऐसा उठा के यहाँ से ला सकते हैं, और भी नीचे से हम इसे ऐसे कर सकते हैं, और ये सिंपल सा देख सकते हैं जैसे कि हमारा ये पार्ट ब्लर हो चुका है। आप सभी यहाँ से सेट भी कर सकते हैं कितना टाइम तक हमें ब्लर चाहिए, मतलब कितने सेकेंड के लिए, कितने मिनट के लिए। तो अभी ये थोड़ा सा टाइम लगा रहा है, क्योंकि ये आपका जो वीडियो चालू है, जो पब्लिक देख रही है, वो चलती वीडियो को एडिट करना आसान नहीं होता दोस्तों, तो इसलिए उसमें टाइम लग रहा है। जैसा कि देख सकते हैं ये सर्कल मतीन घूम रहा है इधर, तो ये अपना टाइम ले रहा है दोस्तों, क्योंकि मैंने अभी इधर सेट किया है तो पोजीशन के लिए प्रॉपर एडिट कर रहा है यूट्यूब में। तो ये मुझे बहुत ही फंक्शन बहुत ही अच्छा लगा है यूट्यूब का, जिससे किसी भी इमरजेंसी को आप लोग इजीली हैंडल कर सकते हैं बिना वीडियो को डिलीट किए हुए। आपका वीडियो भी चलता रहेगा, आपके वीडियो पे जितना व्यू आया, जितना भी पैसा आया, सब आपका आपको रहेगा। अगर आपने डिलीट कर दिया तो आपका सब कुछ चला जाता है, तो इसलिए ये फंक्शन बनाया गया है, ये फीचर बनाया गया है यूट्यूब की तरफ से, कि जिससे जो क्रिएटर है, नए क्रिएटर है जो कि बहुत गलती कर देते हैं, ओल्ड क्रिएटर से भी गलती हो जाती है। बहुत लोग बहुत बार वीडियो एडिट करने के बाद देखते हैं, फिर भी वो पार्ट नहीं देख पाते जो बाद में उनको पता चलता है ये पार्ट मेरे से कैसे छूट गया। तो बहुत लोग से मिस्टेक हो जाती है दोस्तों, कोई जानबूझ के तो करता नहीं है पर हो जाती है। तो ऐसे आप सभी कर सकते हैं जैसा कैसे देख सकते हैं। तो आप सभी को अगर करना रहेगा तो आप लोग कर सकते हैं। इधर से एलिमेंट मैं आप सभी को दिखा देता हूँ, तो इधर से आप अपने जो भी वीडियो है यूट्यूब के उसे ऐड कर सकते हैं। जैसे लास्ट में इंड स्क्रीन लगाते हैं वैसा ही है, समझ लीजिए दोस्तों। तो बहुत कुछ है दोस्तों, तो आप सभी को आई होप समझ में आ गया रहेगा कि कैसे एडिट करना है। हमें तो सिर्फ ये ऐड ब्लर वाले ऑप्शन को ही आप सभी को समझना था, जो कि मैंने अच्छे से समझा दिया है। अगर कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। आई होप गाइस आप सभी को सब कुछ समझ में आ गया रहेगा कि कैसे अपनी वीडियो को एडिट करना है यूट्यूब पे अपलोड होने के बाद भी, आप सभी को डबल मेहनत ना करना पड़े अपलोड करने का, फिर से एडिट करने का। आप लोग वही वीडियो को अपलोड कर सकते हैं। और एक चीज मैं आप सभी को बता दूं, जैसे ही आप सभी का कुछ भी पर्सनल चीज शेयर हो चुका है, तो आपको पहले एडिट करने से पहले आप सभी प्राइवेट कर सकते हैं उस वीडियो को, फिर उसके बाद आप सभी एडिट कीजिएगा। क्योंकि आप जितने टाइम में एडिट करते रहेंगे, और भी व्यूअर को आप सभी का पर्सनल डॉक्यूमेंट दिख जाएगा, तो जिससे और भी प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे ही आप सभी को पता लगे, तुरंत आप सभी अपने उस वीडियो को प्राइवेट कीजिए, फिर जाइए YT स्टूडियो में और वहां से वीडियो एडिट कर दीजिए। करने के बाद सिंपल सा आप लोग पब्लिक कर सकते हैं, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो आप सभी को कैसी लगी ये जानकारी, कैसी लगी ये इंफॉर्मेशन, जरूर से मुझे कमेंट में बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, जिससे वीडियो को अपडेट हो जाएगी, ऐसी वीडियो को अपडेट हो जाएगी, प्लीज बेल आइकन को दबा दीजिए। और मेरी नेक्स्ट वीडियो को देखना है तो इधर दिख जाएगी, उससे भी नेक्स्ट को देखना है तो इधर दिख जाएगी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है तो मेरे चैनल का ये वाला लोगो आप सभी को दिख रहा होगा, तो उस पर टैप करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आई होप आप सभी को सब कुछ समझ में आ गया रहेगा, और भी कुछ भी प्रॉब्लम रहेगा तो आप लोग जरूर से मुझे कमेंट करके पूछ लीजिएगा। धन्यवाद।